हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निकाली गई सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी एवं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के पदों की विज्ञप्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रायपुर से दिनांक 7/8/2018 को यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एवं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनांक 30 सितंबर रविवार को निम्नलिखित विभागों, तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, श्रमायुक्त कार्यालय, संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल संरक्षण, एंटी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जनसंपर्क विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, हिंदी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सभी विभागों पर टोटल प्रस्ताव पर सहायक ग्रेड 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन आमंत्रित कर दिए गए हैं। दोस्तों, परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018 दिन रविवार को ये पेपर होगा। परीक्षा का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन निर्धारित कर दिया गया है सहायक ग्रेड 3 के लिए समय 9 से 12 बजे तक होगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए होगा 1:30 से 4:15 बजे तक। स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर हिंदी वालों के लिए होगा 4:20 से 5:10 तक। अंग्रेजी के लिए होगा 5:20 से 6:10 तक। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 7 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे 24 सितंबर से, जिनके परीक्षा केंद्र अंबिकापुर, परबिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर तथा रायपुर में आयोजित किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आवेदन पत्र करने की तिथि, शुल्क की तिथि, भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पाठ्यक्रम आदि का अवलोकन आप व्यापम की वेबसाइट पर कर सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर आप सभी डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और उनके लिए क्या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर दी गई हैं। मैं उन्हीं में से कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा कि उनका क्या सिलेबस होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें निर्धारित की गई हैं और किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारी परीक्षा की विज्ञप्ति। अब हम देखते हैं परीक्षा में क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैंने बताया 30 सितंबर को ये परीक्षा होगी, 4 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 7 अगस्त से प्रारंभ हो गई है। परीक्षा शुल्क जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये तथा SC ST के लिए 200 रुपये निर्धारित की गई है। तो ये 5 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसे कि अभी हमने देखा। तो दोस्तों, ये थी आपकी फॉर्म भरने की जानकारी। अगर हम आगे और कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी तो मिल जाएगी, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी आगे हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, हम इसमें बता दें कि क्या क्या सिलेबस होगा। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो 200 नंबरों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 50 अंकों के 50 प्रश्न, कंप्यूटर से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य गणित से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी से 40 अंकों के 40 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी से 20 अंकों के 20 प्रश्न। इस प्रकार कुल 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी समयावधि 3 घंटे होगी। ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे। तो सही उत्तर में आपको डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपने लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। 1:5 कौशल परीक्षा हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड 3 पद हेतु अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु 8,000 की डिप्रेशन की गति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी के कंप्यूटर टाइपिंग 500 की डिप्रेशन की गति हिंदी के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, जिसमें भी आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसमें cgvyapam.choice.gov.in पर संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं, वहीं पे आपका रिजल्ट भी अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गई बात हमारे संयुक्त भर्ती परीक्षा की। मूल्यांकन पद्धति क्या होगी? तो देखिए, 4 संभावित उत्तर होंगे, जिसमें से 1 सही और 3 उत्तर गलत होंगे।
देखिए इसमें बोला है कि प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर एक से अथवा एक से अधिक उत्तर करने पर ऋणात्मक अंक प्रावधान होने से 1/4 अंक काटे जाएंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी दोस्तों। जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए 0 अंक तो प्रदान किए जाएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बहुत ध्यान से रखना है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आएंगे 50 अंकों के, इसमें सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, देखिए स्लाइड में मैंने दिखाया ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, उसमें भी ये मैंने सिलेबस दिखाया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सामान्य मानसिक योग्यता जो 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 20 प्रकार सिलेबस होगा। सामान्य गणित का भी सिलेबस इकाई 1, 2, 3, 4, 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी के 40 अंकों के 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें ये सिलेबस होगा स्वर व्यंजन लिंग संज्ञा समास संधि व्याकरण शुद्ध प्रकार, और पार्ट 6 इंग्लिश होगा जो 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे, इसमें भी इंग्लिश ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस तथा वोकैबुलरी आएगी। तो ये रहा सिलेबस व्यापम के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहली बात ये कि आपको इसमें माइनस मार्किंग है, आपको बहुत ध्यान से ये पेपर हल करना होगा, और इसके लिए 30 सितंबर की डेट निर्धारित की गई है। क्या क्या वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, लोक शिक्षण संचालनालय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 7 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जनसंपर्क संचालनालय, जनसंपर्क संचालनालय में सहायक ग्रेड 3 के लिए 2411 टोटल इस तरह पोस्ट निकाली गई हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी निकाली गई हैं, मतलब टोटल निकाली गई हैं। बैकलॉग पद हैं ये तो 8, 1, 3, 1, 3, और इसमें देखिए सहायक रिक्त पदों का वर्णन बैकलॉग रिक्तियों की सीधी भर्तियों के लिए 11 पदों की संख्या निकाली गई है, 11 पद निकाले गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्यालय प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की, तो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अनारक्षित के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 1, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 2, 2 और 6 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं। संविदा भी निकाली गई हैं 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10 पोस्ट संविदा में निकाली गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं। संचालनालय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें भी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, 1 पोस्ट निकाली गई है सहायक ग्रेड 3 की, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर की, 1 शीघ्र लेखक की तथा स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्ट निकाली गई हैं। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की बात करें तो टोटल 17 पोस्ट निकाली गई हैं सहायक ग्रेड 3 की। तो दोस्तों ये है विज्ञापन जो अभी व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, इसमें आप कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी अवेलेबल है। व्यापम ने एक रेगुलर पेज नहीं बनाया है, इसका हर डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसी निकाला है। ये राज्य सूचना आयोग की, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1, सहायक ग्रेड 3 की 4, शीघ्र लेखक की 4, स्टेनोटाइपिस्ट की 1 पोस्ट निकाली गई है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस आपको इसमें पोस्ट देखनी है कि किस में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, और शैक्षणिक योग्यता तो जो व्यापम द्वारा निर्धारित की गई है वो सबके लिए समान रहेगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर निकाली गई है 2 पोस्ट, और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 3 पोस्ट निकाली गई, राज्य निर्वाचन आयोग में, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी निकाली गई हैं। कुल 3 पोस्ट निकाली गई हैं टोटल। ये तीनों पोस्ट अलग अलग हैं, शीघ्र लेखक की 1 है, स्टेनोटाइपिस्ट की 1 है, सहायक ग्रेड 3 की भी 1 है। संचालनालय कोष लेखा में पेंशन नया रायपुर में निकाली गई है, टोटल सहायक ग्रेड 3 की 20 पोस्ट निकाली गई हैं, इसमें से 6 जनरल वालों के लिए, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा भी 11 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर की 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5, स्टेनोटाइपिस्ट की 1 तथा सहायक ग्रेड 3 की 11 वैकेंसियाँ निकाली गई, सॉरी सहायक ग्रेड 3 की 11 निकाली गई हैं, और टोटल तो ज़्यादा हो जाएंगी, 11 और 1 12, 12 5 17 और 1 18 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। तो दोस्तों इसमें कभी परिवर्तन किया जा सकता है, उसके विज्ञापन के नीचे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में अगर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की 6 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 2 पद निकाले गए हैं। देखिए श्रम विभाग मंत्रालय द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है वो ये, इसका अपन ने यहाँ पे बता दिया है 5, 11, 1 और 1। इस तरह सभी वेबसाइट विज्ञापन के प्रारूप अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ के विभागीय विज्ञापन भी देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में निकाले गए वो भी देख सकते हैं, क्या क्या इस टाइप इसमें फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कब जनरेट करना है चालान, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। तो आप व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पे ज़रूर सर्च करें। तो दोस्तों हमें जैसे ही कोई खबर मिलती है हम इसके लिए आपको अपडेट कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।